अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके लिए चॉकलेट बनाना बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बहुत ही डिफरेंट टाइप के ये बंस हैं और सुबह नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या बच्चों को आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और मज़े के बंस होते हैं ये। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है ईस्ट, और आधा टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर शुगर। और इसे आधा कप पानी के साथ मैं अच्छी तरह मिक्स करके किचन के काउंटर पर रख दूँगी ताकि इसमें थोड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएं। ये देखिए, इस तरह से 5 मिनट के बाद ही इसमें इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि हमारा ईस्ट एक्टिव है। मेरे पास है कुछ बनानास हैं, इसमें से जो सबसे पके हुए बनानास हैं मैं वो लूँगी। सिर्फ मुझे 2 बनानास चाहिए। आपके पास अगर इससे भी ज़्यादा पके हुए बनाना है तो आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि बनाना जितना पका हुआ होगा वो उतना ही मीठा होगा और जो बन है हमारे उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे हम अब एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पे जो मैंने 2 बनानास लिए हैं इसे मैं छील के मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। अब ये जो मैंने बनाना मैश किया हुआ है इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून पाउडर मिल्क। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक, 2 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें शुगर। आप इसमें और शुगर भी डाल सकते हैं, 5-6 टेबल स्पून डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है 1 अंडा और 4-5 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। इसे मैंने रफली मैं इसे बीट कर लूँगी हल्का सा हाथ से इस तरह से। और इसके साथ ही जो मैंने ईस्ट रखा हुआ था प्रूफ करने के लिए वो ईस्ट भी इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम मैंने लिया है मैदा, 1/2 किलो ये मैदा है, और ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसे मैं हल्का सा मिक्स करूंगी इस स्पैचुला से। ये देखें, जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो अब यहाँ पे मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। 1/4 कप मेरे पास किशमिश है। किशमिश मैंने अच्छी तरह से साफ करके रखी है, धो के इसकी डंडियाँ वगैरह रिमूव कर दिएगा। और इसे हल्का सा पानी के थोड़े से छींटे दे के तकरीबन 5-6 टेबल स्पून इसमें पानी जाएगा मज़ीद। और इसे मैं गून लूँगी। और इसके अलावा इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें बटर भी डाला था ताकि जो हमारा डो है वो बहुत ही स्मूथ और अच्छा सा तैयार हो जाए। इसे मैं किचन के काउंटर पे रख दूँगी 1/2 घंटे के लिए प्रूफ करने के लिए ताकि साइज़ में दुगना हो जाए। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर न्यूटेला, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ 9 बंस। तो 9 बंस बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर 9 टेबल स्पून मैं न्यूटेला के लूँगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह से इस पोर्शन बना के आप इसे फ्रीज़र में रख दें 1/2 घंटे के लिए ताकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्यों मैंने इसको इस तरह से फ्रीज़र में रखवाया था। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो मैदा है डो है हमारी ये प्रूफ हो चुकी है, साइज़ में डबल हो गई है। इसे मैं दोबारा किचन के काउंटर पर रखूँगी और इसे थोड़ा सा पंच करूँगी, थोड़ा सा मैं इसे दोबारा से रोल करूंगी। ये देखिए, डो हमारी बिल्कुल रेडी है बंस बनाने के लिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल इक्वल साइज के इसमें से मैं बॉल्स बना लूंगी, 9 बॉल्स। सारी बॉल्स मैंने इक्वल साइज की ली हैं। अगर आप इसका साइज देखें तो जैसे हम चपातियां बनाते हैं ये उससे थोड़े से छोटे साइज की बॉल्स बनाई हैं मैंने। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग डिश ली है, स्क्वायर बेकिंग डिश है। आप कोई भी गहरी कोई डीप बेकिंग डिश ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करके अच्छी तरह से मैं इसे एक तरफ रख दूंगी। अब यहाँ पे मैं एक बॉल लूंगी, इसे हल्का सा फ्लैट करूंगी, और जो न्यूटेला जो मैंने फ्रीज़र में रखा था जो थोड़ा सा हार्ड हो गया है ये न्यूटेला मैं इसके बीच में रख के इसके जो किनारे हैं इस तरह से इनको आपस में जोड़ूंगी और इसको बंद कर लूंगी और इसे एक बॉल की शक्ल दे दूंगी। और इसे इस तरह से बंद करने के बाद अच्छी तरह से इसको आप मेकश्योर कर लेगा ये खुला हुआ ना रहे, और इसे एहतियात से बेकिंग डिश में रख दूंगी। इसी तरह से सारे बंस मैं रेडी कर लूंगी। अगर आप इसे फ्रीज़र में रख के हार्ड नहीं करेंगे तो जब आप इसे बेक करेंगे बंस को तो ये जो न्यूटेला है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है
अवन में जाने के बाद और पतीले में बेक होने का थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो इसे फ्रीजर में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने इसे 10 मिनट के लिए डबल प्रूफिंग के लिए रखा था दोबारा से, फिर मैं इसे अवन में रख रही तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए 160 सेंटीग्रेड पर। आप मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पतीले में से बेक कर सकते हैं। पतीले में मैंने शुरू में काफ़ी आपको बेकिंग सिखाई है, तो आप मेरी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मैंने ये बंस निकाल लिए थे, और ये देखिए मैं इसे बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया था। अब मैं इसे कवर करके, याद रखिएगा इसे कवर करके मैंने इसे किचन के काउंटर पर रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसे मोल्ड से, जो इसका जो सांचा है, मैं इसे बाहर निकालूंगी। बंस को सांचे से बाहर निकालने के बाद इस पर आइसिंग शुगर डस्ट करूंगी मैं थोड़ी सी, और बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा बने हैं, तो इसे मैं बहुत एहतियात के साथ अलग कर लूँगी सारे बंस को। रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें।